आरपीएफ ने मथुरा जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 5 से 3 साथी चोरों को गिरफ्तार कर लिया। यह साथी चोर लंबी दूरी की ट्रेनों में ड्राइवर बनकर ट्रेन में बुक कीमती माल को चोरी कर लेते थे। आरपीएफ ने साथी चोरों के कब्जे से 1,76,000 रुपये का माल और 1,00,000 की नकदी बरामद की है। पकड़े गए साथी चोरों से पूछताछ में 9 और लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं। वीडियो में दिख रहे ये तीनों साथी चोर बड़े ही सातिराना अंदाज में ट्रेनों में यात्रियों के बुक कीमती माल को पार कर लिया करते थे। आरपीएफ को लंबे समय से इन साथी चोरों की तलाश थी, लेकिन हर बार यह साथी अपना तरीका और रास्ता बदल लेते थे। साथी चोर स्टेशन पर ट्रेन का ड्राइवर बनकर माल बुकिंग वाले डिब्बे तक पहुंच जाते थे, जिसके पास चोरी करने के लिए प्लास, पेचकस और हथौड़ों जैसे औजार होते थे। डिब्बे में प्लाई को उखाड़ कर यात्रियों के बुक माल में से कीमती सामान को निकाल कर अपने बैग में भर लेते थे। जैसे ही स्टेशन आते ही ट्रेन से उतर कर रफू चक्कर हो जाते थे। पकड़े गए साथी चोरों से आरपीएफ ने कड़ाई से पूछताछ की तो इस गैंग के 9 और लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं। पुलिस साथी गैंग के फरार सदस्यों की तलाश में जुटी है। पकड़े गए साथी चोरों के नाम दिलीप, प्रदीप और सलीम हैं, जो आगरा जनपद के अलग अलग क्षेत्रों के रहने वाले हैं। इस गैंग में 12 लोग शामिल थे, जिसमें से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दी है। बाकी के 9 आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। घटना की जानकारी देते हुए सुरक्षा मंडल सुरक्षा आयुक्त अपूर्व अग्निहोत्री ने बताया कि पकड़े गए 3 साथी चोर ट्रेनों में ड्राइवर बनकर यात्रियों के बुकिंग हुए माल को पार कर लिया करते थे, और कई दिनों से यह जानकारी मिल रही थी कि जो यात्रियों का बुक माल है उसमें से माल चोरी हो रहा है। हमने 3 टीमें गठित की थी और आज मथुरा जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 5 से इन साथी चोरों को गिरफ्तार कर लिया। इनसे चोरी का माल बरामद हुआ है। साथी चोरों ने पूर्व में हुई 3 घटनाओं को भी कबूला। 9 और लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनकी तलाश जारी है। पिछले कुछ महीनों से रेलवे के बुकशुदा माल के ट्रेन्स के मूवमेंट के दौरान ये खबर आ रही थी कि कुछ माल चोरी हो जाता है। उनमें से कुछ हाई वैल्यूड आइटम्स होते हैं, और इसको हमने संज्ञान में लेते हुए आरपीएफ की टीम बनाई। इसमें कई टीम्स एक साथ इस प्रकरण में लगाई गई और इसमें सारे तरह से तथ्य निकालने हमने शुरू किए। इसमें आगरा टीम की भी अपनी टीम थी जो इस समय है, और इसके अलावा एक मुख्यालय और आगरा की जॉइंट टीम थी। और इस टीम का एक मकसद था कि पहले तथ्यों को ठीक से साइंटिफिकली कलेक्ट करें और इसके बाद ज़ीरो इन करें कि कहाँ पे क्राइम हो रहा है। इस क्रम में हमने पहले ये जान लिया कि ये क्रिमिनल्स जो हैं हाई वैल्यू आइटम्स को करते हैं और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हैं, अपना तरीके बदलते रहते हैं, ट्रेन बदलते हैं। पहले हमने आगे घटना ना हो इसके लिए ट्रेन्स को प्रिवेंशन के लिए उसमें अपने लोग भी भेजने शुरू किए, लेकिन डिटेक्टिव विंग फास्ट हो गई, टीम्स जगह जगह छापे मारने लगे। और इस क्रम में हमें पहली सफलता 3 दिन पहले आगरा में मिली थी, जब हमने 8,25,000 का मेडिसिन का रिकवरी की थी क्रिमिनल के साथ। उस के दौरान जो हमें इंफॉर्मेशन मिली, और इसके अलावा भी मुखबिर से बाकी तरीक़ों से हमें जो इंफॉर्मेशन मिली थी, हम आगे बढ़ते गए। और उस क्रम में अब हमने अगली बड़ी चोट मारी है इस गैंग पे। इसमें कई गैंग लगे हैं, और अब ये दूसरी रिकवरी के बाद जिसमें 3 क्रिमिनल्स को हमने पकड़ा है। इन क्रिमिनल्स में पहले हमने इनको मथुरा में पकड़ा और उनके पास 2 बैग के साथ पकड़ा जिसमें यूरिया आइटम था। और उसके उनको जब हमने इंफॉर्मेशन ली तो निशानदेही कराने पे उनसे भी काफ़ी मात्रा में हमें रेडीमेड गारमेंट्स मिले हैं और एक सैंपल मेडिसिन मिला है। इनको हमने अरेस्ट में लिया है। इनसे जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, जिसको हम जांच में लगे हुए हैं,
उससे हमें 9 और वांछित अपराधियों का पता चला है जिनको हम पकड़ने में जुट गए हैं और आशा है कि हम पकड़ लेंगे। कितने लाख रुपए का माल बरामद हुआ? कुल सारा मिला के 176,000 का माल है और 1,00,000 की नकदी है। खबर जगत 24 न्यूज मथुरा से अमित गोस्वामी की रिपोर्ट।